हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका भाई शाही आलम फ्रॉम इन्वेस्टको इंफाडेक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ एस 153 लेकर, जो लोकेटेड है सेक्टर 153 के अंदर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर साइड, और साइड में काम यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, फाउंडेशन वर्क स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, दोस्तों ये आया था हमारा एस 153 का मॉडल। अगर मैं इस कमर्शियल की अगर मैं बात करूं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक है, ये ए बी सी डी ब्लॉक हैं। ये हमारा ड्रॉपिंग एरिया आ जाता है सामने। और ओवरऑल अगर इस रोड की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला रोड, ये स्ट्रेट जाने के बाद आपका जेपी अमन की तरफ आ जाता है, जो आने वाले टाइम में 130 मीटर का रोड होने वाला है। एक रोड यहाँ पर कनेक्टिविटी, ये है दोस्तों कमर्शियल ड्रॉपिंग एरिया। और इसमें वाटर बॉडी का बहुत अच्छी तरह यूज़ किया हुआ है। इसमें रूफ टॉप कैफ़े वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ से गाड़ी जाती है और ये बेसमेंट के लिए नीचे रास्ता जा रहा है, जो बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस टावर की अगर मैं बात करूँ, तो ये टावर वन है, जो पूरा सोल्ड आउट है। ये पूरा ऑफिस स्पेसेस है। इसकी हाइट जो आती है, ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर की इसकी हाइट आती है। इसकी जो एंट्रेंस आती है, वो साइड से आती है, जहाँ पर ये वाटर बॉडी की दी हुई है। और ये टावर टू आ जाता है। ये टावर टू लग्जरी है। ये यहाँ पर 1000 स्क्वायर फिट का ऑफिस स्पेस आ जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसके बैक साइड में ले जाकर मैं आपको इसकी एंट्रेंस भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है वो रोड जो निकल जाता है। ये सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, सॉरी कमर्शियल की, एस 153 कमर्शियल की, तो ये टू साइड ओपन लैंड आया था। एक रोड ये वाला है, जो आपको सीधा कनेक्ट करता है सेक्टर 168 के सर्विस रोड पर। जगह आपने देखा होगा 128 की तरफ सर्विस रोड है, या 152 153 की तरफ सर्विस रोड है, ये उस पर कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये आ जाता है फ्रंट से हमारा टावर। टावर की हाइट ग्राउंड प्लस 20 है। इसमें पर फ्लोर बहुत कम यूनिट है, मतलब मैं यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो 20 यूनिट्स में आते हैं। ये हमारी एंट्रेंस आती है। इसमें अगर आपने इसका एस कैपिटल सेक्टर 132 का देखा होगा, तो इसी तरह इसमें टफन ग्लास पर है, और इसी की तरह एंट्रेंस है। तो यह वाला टावर तो हमारा सोल्ड आउट है दोस्तों। लेकिन अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अल्टीमेट लोकेशन होने वाली है। ये कमर्शियल की एंट्री यहाँ से भी हमारी आ जाती है। ये एंट्रेंस सिर्फ अपनी जो होगी, ये ऑफिस के लिए होगी। इसमें प्रॉपर तरीके से फाउंटेन, वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी के पास सेटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही लग्जरी तरीके से एस इसको डेवलप कर। दोस्तों, ये है अगर इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये प्रोजेक्ट पूरा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट आया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन आपको बता दी थी कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये 5 एकड़ में है। 5 एकड़ के अंदर पूरा इसमें कमर्शियल है, नीचे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। और अगर दो टावर की अगर मैं बात करूँ, टावर वन और टावर टू, तो दोस्तों ये आ जाते हैं आपके ऑफिस स्पेसिस, लग्जरी ऑफिस स्पेसिस जिसको कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर वाटर बॉडी का, जैसा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वाटर बॉडी का बहुत अच्छा इसमें इस्तेमाल किया गया है। वाटर बॉडी इसमें जगह जगह, अगर आपने इसका प्रॉपर्टी देखी होगी 132 के अंदर इस कैपिटल, तो उसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके अंदाज में, उससे बेटर इसको बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हैं दो टावर, टावर वन और टावर टू। इसमें ये है ऑफिस स्पेसिस, जहाँ पर 1000 स्क्वायर फिट से ऑफिस स्पेसिस स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी इसमें अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑफिस बाय करना, यहाँ पर आप अपना ऑफिस भी बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये इसका व्यू आया था पूरा एक्सप्रेसवे का। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड आया था बैक साइड में। अब बाकी चीज़ें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसमें अगर फूड कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो प्रॉपर तरीके से इसमें ब्रांड्स, रिटेल शॉप्स वगैरह हैं, फूड कोर्ट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और जिम है। बहुत हैपनिंग ये बनने वाला है यहाँ पर। तो ये दो टावर है, टावर वन और टावर टू, 5 एकड़ में। टावर
इनकी अगर मैं हाइट की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर की हाइट है, कमर्शियल की ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की हाइट है। तो दोस्तों ये वाला रोड है जो आपको सीधा एक्सप्रेस उधर से लेकर आता है, एक्सप्रेस वे 146 149 की तरफ से। इसके अगर मैं राइट चला जाता हूँ तो आपने देखा होगा कालंदीगुंज की तरफ जेपी से आगे एक रोड पुस्तर रोड आता है जो सेक्टर 168 तक रनिंग कंडीशन में आता है। तो दोस्तों ये रोड आपको उधर कनेक्ट कर देगा एक्सप्रेसवे जो आने वाले टाइम में 130 मीटर का होने वाला है। यहाँ आसपास सराउंडिंग में अगर देखेंगे जितने भी आउटलेट हैं, जितने भी कमर्शियल्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी बन गए हैं, और ये आ जाता है हमारा जेपी अमन। तो दोस्तों अगर ये सोसाइटी अगर आप देखेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये आ जाता है पूरा जेपी अमन। तो यहाँ पर ऑलरेडी सोसाइटी है जेपी अमन की। और ये वाला रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये रोड ए सिस्टा लाइट सेक्टर 152 सेक्टर 150 की तरफ चला जाता है। इस प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लॉट हमारा टू साइड ओपन आता है, एक रोड हमारा इधर आता है, एक रोड इसके पीछे आता है। तो दोस्तों मैं पहली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके पीछे क्या क्या रोड आते हैं, कनेक्टिविटी क्या क्या। अगर आपको कुछ लोकेशन देखनी है तो आप उस वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं, नीचे की तरफ है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लोकेबल ऑफिस स्पेसेस है, बिजनेस क्लब यहाँ पर आता है, हाई एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर आते हैं, प्रीमियम आउटलेट यहाँ पर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए अभी इन्वेंट्री कुछ है, कुछ इन्वेंट्रीज आई हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑफिस के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव इसमें पेमेंट प्लान है और प्राइस भी ठीक है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये ब्लॉग यहीं तक ही था, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाके, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ही थी, थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।